हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। आप सभी को पता है हम 11वीं क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर जो था हमारा 307, उसके अंदर हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को समझा था। आज की इस वीडियो में हम जो है मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाए, आपको ये समझ में आ जाए कि भाई हम जब मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे फिट करना है, ये सारी चीजें जो है आज की वीडियो में आपको पता चलेगी। तो आप चैनल पर बने रहिएगा, क्या आप मेरे साथ हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और भैया अपनी उंगलियों को थोड़ा कष्ट दे करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस। तो सब लोग मेरे साथ हैं, एक बार सभी लोग बोलेंगे हाँ है। चलिए जोश है, जोश है, चलो स्टार्ट करते हैं। ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टचेस द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। एक स्टोन है जिसको ड्रॉप किया है टॉप ऑफ द टावर से, टावर के टॉप से जो है उसको ड्रॉप किया है और वो ग्राउंड को टच करता है कितने टाइम में, 4 सेकेंड में। तो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। भाई मान लेते हैं, मान लो ये हमारे पास स्टोन है, वैसे तो स्टोन नहीं है, ये क्या है, एक बॉल है, स्माइली बॉल है ना, स्माइल करती रहती है। वैसे तो मोबाइल में बहुत सारे रहते हैं जिसमें स्माइल नहीं करते हैं, रोने वाले भी रहते हैं कैरेक्टर कुछ। तो अब मान लो टावर की हाइट से इस बॉल को क्या है, ड्रॉप किया है। ये ध्यान रखना, किसी टावर की हाइट से इस बॉल को या इस स्टोन को ड्रॉप किया। अब जिस टावर की हाइट से इसको ड्रॉप किया है वहां से जमीन पर, ग्राउंड पर आने में कितना समय लेती है, 4 सेकेंड, ये इस क्वेश्चन में बोला है। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो भाई ये डायग्राम बन जाएगा। ये मान लो टावर है, टीवी टावर, आईफिल टावर, कुछ भी समझ सकते हो। इस टावर की हाइट से मान लो यहां से एक बॉल जो है, बॉल या स्टोन जो है ड्रॉप किया गया है, ये ड्रॉप कर दिया। जब स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है भाई बताओ फटाफट, ये होती है u इज इक्वल टू 0। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अब यहां पर ये स्टोन यहां आएगा तो यहां आते आते जो है इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी। इस टावर की जो हाइट है वो है भाई एच, ये इस टावर की हाइट एच ले ली हमने। अब हमें क्या निकालना है, ये जो स्टोन है कितने टाइम में यहां गिरता है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में, कितने टाइम में, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में, ठीक है। अब हमें जो है हाइट बतानी है। अब हम क्या करेंगे, यहां से इस पॉइंट को मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट। जब ये रेफरेंस पॉइंट हो गया तो ऊपर की तरफ क्या लेते हैं, प्लस, नीचे की तरफ क्या लेते हैं, माइनस, है ना। तो रेफरेंस पॉइंट से ध्यान रखेंगे और इक्वेशंस को यूज करेंगे। हमें हाइट निकालनी है, एक्सीलरेशन किसके इक्वल होगा यहां पर, माइनस जी के। अब यहां पर हमारे पास इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में इस इक्वेशन को क्या ऐसे लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ माइनस जी, एक जगह क्या लिखते हैं, माइनस जी टी स्क्वायर, क्लियर है। तो हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, तो एच हाइट हमें निकालनी है, चूंकि रेफरेंस पॉइंट से नीचे देखेंगे तो इसको माइनस ले लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो गई, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ, जी की वैल्यू क्या ले लेते हैं भाई, 10 ले लेते हैं, ये ले लिया हमने 10। टाइम कितने टाइम में ये स्टोन जो है टावर की हाइट से ग्राउंड पर आ रहा है, 4 सेकंड में, तो 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 16। तो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू 10 इंटू, इसको भी उड़ा दो 16 है ना, तो 2 8 जा 16, तो ये कितना आ गया, एच इज इक्वल टू आपके पास आ गया 80 मीटर, और ये माइनस से ये माइनस आपका उड़ गया। तो इसका मतलब क्या आंसर आया, फर्स्ट आंसर जो है इसका करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया, किस तरह से हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को यूज किया है, क्लियर है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर टू है टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस, दो बॉडी हैं जिनका मास क्या है डिफरेंट है, एम ए एंड एम बी आर ड्रॉप फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट, इनको दो डिफरेंट हाइट से ड्रॉप किया है, एक की हाइट ए है दूसरे की हाइट बी है, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द टू कवर द डिस्टेंस आर, तो हमें टाइम का रेशियो निकालना है और ये जो डिस्टेंस कवर होगी जितनी, ये जो डिस्टेंस कवर होगी कितने टाइम है उसी टाइम का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अब इन दोनों मासेस को हमने क्या किया, ड्रॉप किया है, ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लोगे आप, जीरो, दोनों ही केस में इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या आ जाएगी, जीरो। अब ध्यान से समझेंगे, मान लो पहली टावर तो ये है, ये फर्स्ट टावर है, ठीक है भाई, एक दूसरा टावर हम यहां बना देते हैं, ये हमने बना दिया दूसरा टावर, फर्स्ट टावर से जो बॉल गिरती है या दो बॉडी है ना, तो एक बॉडी यहां से गिरेगी और दूसरी बॉडी यहां से गिरेगी, ये आ गई भाई, इसका मास एम ए ले लेते हैं और इसका मास आपका एम बी ले लेते हैं, बहुत बढ़िया, इसकी हाइट ए है, इस टावर की हाइट कितनी है ए, इस टावर की हाइट कितनी है बी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। अब इन दोनों मासेस को ड्रॉप किया है, दोनों मासेस को ड्रॉप किया है तो इसको कुछ टाइम लगेगा, मान लो टी ए, इसको कितना टाइम लगेगा मान लो टी बी, हमें ये टी ए और टी बी का रेशियो निकालना है, दोनों को ड्रॉप किया है इसका मतलब इनकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई दोनों की, जीरो, तो यहां पर जीरो वेलोसिटी हुई इनिशियल, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन लगा सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सोचो सर हमने सेकंड इक्वेशन क्यों नहीं, थर्ड इक्वेशन क्यों नहीं यूज करी, क्योंकि उसमें टाइम नहीं होता, फर्स्ट इक्वेशन क्यों यूज नहीं होती, क्योंकि हमें जो है यहां पर फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई, ठीक है, तो हमने हमने क्या किया, हम यहां पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, क्या ये बात क्लियर है, अगर क्लियर है तो अब भी लाइक ठोक दो। चलो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखेंगे इसको क्या करेंगे भाई, इसकी हाइट ए है तो हम दोनों के लिए इक्वेशन लिखने वाले हैं माइनस ए, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट को हम क्या मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट, ऐसे इस केस में इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे, तो माइनस ए इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू यू टी, यू टी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो कितना हो गया, माइनस हाफ ए की जगह आ गया आपका जी, टाइम की जगह आ गया टी ए का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही हम सेकंड बॉडी के लिए इक्वेशन लिखेंगे, उसको कैसे लिखेंगे ध्यान से समझेंगे, माइनस बी भाई, इसकी हाइट कितनी है, माइनस बी, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट से जब डाउनवर्ड देखेंगे तो हमें ये हाइट कैसी दिखेगी, नेगेटिव में, माइनस बी, माइनस हाफ जी टी बी स्क्वायर, अब हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमें क्या निकालना है, रेशियो, तो हाफ से हाफ कैंसिल, जी से जी उड़ा दो, माइनस से माइनस सारे उड़ा दो, सब उड़ गए, तो इसका मतलब क्या बचा, टी ए का स्क्वायर अपॉन में टी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी, तो हमें तो भैया रेशियो निकालना है टी ए और टी बी का, तो कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये इसका आंसर आ गया, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, नॉट नॉट फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन हमारा, थर्ड ऑप्शन क्या है भाई, सही है, क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं इसमें कोई डाउट नहीं, अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो भैया कमेंट कर दो ताकि आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर टू किया, अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री पर बढ़ते हैं, ये है भैया क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री थ्री, ए फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट रिलीज किया गया है, ठीक है, कहां रिलीज करते हैं, कहीं पर बाढ़ आ जाते हैं, भूकंप आ जाता है तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं और खाना रिलीज करते हैं, वही चीज है, विच इज राइजिंग स्टेडली एट 2 मीटर पर सेकेंड,
ये हेलीकॉप्टर जो है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर 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 उठ रहा है। ये ध्यान रखना, आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद हमें यह बताना है क्या, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पैकेट, पैकेट की वेलोसिटी क्या होगी, ये 2 सेकंड के बाद बताना है। दूसरी चीज क्या बतानी है, हाउ फार इज इट ब्लो द हेलीकॉप्टर, हाउ फार इज इट ब्लो। अब ये इट कौन है, ये इट जो है फूड पैकेट है, ये फूड पैकेट हेलीकॉप्टर से कितना नीचे है 2 सेकंड के बाद, ये हमें बताना है। चलो भाई तो ध्यान से समझेंगे, मान ले हम जो है एक हेलीकॉप्टर बनाते हैं, ये हमने अपनी अपनी ड्राइंग के हिसाब से हेलीकॉप्टर बना दिया है, ठीक है, मक्खी मत समझना इसको, बेचारा हेलीकॉप्टर है ये। अब देखो तो ध्यान से समझना है सिचुएशन को, यहां भी बनाते हैं, यहां से ये यहां से उड़ेगा भाई, यहां से उड़ेगा, पहले ही से बीच में नहीं उड़ाएंगे, ये यहां से उड़ेगा हेलीकॉप्टर हमारा ये, तो ये इनिशियल यहां से उठता है, ये हेलीकॉप्टर यहां से ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, किस वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर उठेगा, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर उठेगा। अब ये हेलीकॉप्टर जैसे ही यहां पर आएगा, ये आ गया, हम यहां से सिचुएशन देखेंगे, यहां पर बैठा है आदमी जो फूड पैकेट पंखुड़ी पर बिठा दिया, ध्यान रखना उड़ जाएगा बेचारा ये भी, बट मान लो तो यहां से क्या करेगा, ये आदमी भी क्या करेगा, फूड पैकेट ड्रॉप करेगा, ये क्या करेगा, ये आदमी भी फूड पैकेट ड्रॉप करेगा। अब आपको क्या समझना है, देखो भाई जब यहां से इस फूड पैकेट को ड्रॉप करेंगे, जब यहां से इस फूड पैकेट को ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, ये देखो हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, और इसको ऐसे ड्रॉप करेंगे हम, ये अब ध्यान से समझो, जो वेलोसिटी इस हेलीकॉप्टर की है क्या यहां पर वही वेलोसिटी उस फूड पैकेट की है, ये आप बताओ, क्या यहां पर ये जो वेलोसिटी यहां फूड पैकेट था इसकी भी यही वेलोसिटी है, यहां भी वेलोसिटी सेम, यहां भी वेलोसिटी सेम, यहां पर आए जैसे ही हम यहां पर आते हैं यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें समझना है इस क्वेश्चन में, बस यहीं पर ट्रिक है, यही समझना है यहां पर फूड पैकेट की वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर जो फूड पैकेट की वेलोसिटी सेम होगी जिस वेलोसिटी से ये हेलीकॉप्टर ऊपर उठ रहा है, जब यहां पर इसको फूड पैकेट को वेलोसिटी मिलेगी तो ये फूड पैकेट क्या होगा, पहले थोड़ा सा ऊपर उठेगा भाई, पहले क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ठीक है भाई, उसके बाद ये फूड पैकेट क्या होगा, नीचे की तरफ आना शुरू होगा। मैंने इसको 2 पाथ में दिखाया ताकि आपको समझ में आए, हुआ क्या है यहां पर ये मैं बता देता हूं, मान लो यहां फूड पैकेट था, ये उठा इस डायरेक्शन में ऊपर, अब ये यहीं से ये ड्रॉप होता है नीचे की तरफ आता है, समझ गए, इस तरह से आपको ये समझना है। तो यहां पर इस फूड पैकेट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यही होने वाली है 2 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, हमें ये समझ में आ गया। अब टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, ये हो सकता है यहां से ऐसे जाएगा और फिर नीचे आएगा, तो हो सकता है यहां पर है, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड यहां पर मिला, ठीक है, तो हमें क्या बताना, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, हमें इस 2 सेकंड पर यहां पर फाइनल वेलोसिटी इसकी बतानी है। ये ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आप मेरे चैनल पर जाओ और इस क्वेश्चन को सर्च करना, या एक बॉल बैलून वाला क्वेश्चन है उसको सर्च करना, वहां पर मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत जानदार तरीके से दिया है, आप उस एक्सप्लेनेशन को देखना, आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, ये वेलोसिटी इसकी सेम वेलोसिटी क्यों होती है, जिस वेलोसिटी से आपका हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है उसी वेलोसिटी से आपका जो फूड पैकेट है वो भी ऊपर जा रहा है, ऐसा क्यों हुआ, उस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, ठीक। चलो भाई अब आगे बात करते हैं, अब हमें ये पता चला, हमें सारी सिचुएशन मिल गई, अब हम निकालेंगे वेलोसिटी, तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाली इक्वेशन लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम जो है इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे, ध्यान रखना ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, अब रेफरेंस पॉइंट से ऊपर पॉजिटिव, रेफरेंस पॉइंट से नीचे नेगेटिव, रेफरेंस पॉइंट मतलब आरपी सिंह, है ना, क्रिकेटर आरपी सिंह नहीं है ये, गाली खिलवाओगे, चलो तो आरपी सिंह ऊपर की तरफ, नहीं आरपी सिंह नहीं है भाई, बॉल, तो ये जो बॉल या फूड पैकेट है, बॉल भी नहीं है फूड पैकेट,
अब ये फूड पैकेट ऊपर उठ रहा है तो यहां पर इसको आप प्लस यू लोगे, जब ये उठ करके यहां नीचे आएगा तो v की वेलोसिटी डाउनवर्ड है माइनस ले लोगे, प्लस a हमेशा क्या लेना है माइनस g, और t आपका ये हो गया, ये इक्वेशन बन गई भाई। अब इसमें वैल्यूज रखो, ये आ गया आपका माइनस वी यू, यू हमें दिया है 2 मीटर पर सेकेंड तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस जी की वैल्यू आप ले लो 10, टी की वैल्यू कितनी लोगे, टी की वैल्यू कितनी लोगे बताओ, टी हमें लेना है 2 सेकेंड तो ये आ गया 2 सेकेंड, तो इसका मतलब माइनस वी इज इक्वल टू कितना आया 2 माइनस 20, इसका मतलब माइनस 18। अब ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, एक दूसरे को मार देंगे, काट देंगे, इसका मतलब 18 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी आ गई भाई। तो हमने जो है फर्स्ट ऑप्शन कर लिया है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब एक बात बताओ, हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर, अब ये फूड पैकेट हेलीकॉप्टर से कितना नीचे है बताओ बताओ। अब आधे तो ये सोचेंगे कि हम जो है यहां से यहां की हाइट निकालेंगे, काम खत्म, मेरे भाई ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आपका हेलीकॉप्टर तो ऊपर उठ रहा था, आपका हेलीकॉप्टर तो ऊपर उठ रहा था, ऐसे नहीं करना। तो कैसे करना है देखेंगे, अब ये हेलीकॉप्टर जब ऊपर उठ रहा था, हो सकता है 2 सेकंड के बाद ये हेलीकॉप्टर यहां आ जाए, ये पहुंच गया भाई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बन के ऊपर की तरफ, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड में, यानी कि यहां से यहां तक t इज इक्वल टू 2 सेकंड में ये हेलीकॉप्टर यहां से यहां पहुंच गया। जब यहां से यहां पहुंचा तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कितनी है 2, टाइम कितना है 2, तो इसका मतलब ये कितनी ऊपर पहुंच चुका है, ये 4 मीटर की हाइट पर ये पहुंच चुका है, तो ये हाइट मिल गई आपको। अब हम क्या करेंगे, हमें तो क्या बताना है, हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से ये फूड पैकेट कितना नीचे है, यहां पर है आपका फूड पैकेट, ध्यान रखना भाई। तो अब ये यहां से यहां तक की हाइट निकाल ली, अब हम क्या करेंगे यहां से यहां तक की हाइट भी निकाल लेंगे, हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम यहां से यहां तक की हाइट भी निकाल लेंगे। तो यहां से यहां तक की हाइट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यहां लिखते हैं हम सेकेंड ऑप्शन कर रहे हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहां से हाइट निकालेंगे हम, यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो माइनस एच ले लेते हैं, मान लो ये एच है आपका, तो माइनस में क्यों लिया, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से नीचे आरपी सिंह के नीचे क्या लेना है नेगेटिव, तो माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी 2 तो 2 ऊपर है, टाइम कितना है 2 प्लस हाफ ए की जगह माइनस 10 ले लेना है, और 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 4, तो ये 4 आ गया, 10 दुनी 20, तो कितना आ गया भाई 4 माइनस 10 दुनी 20, 20 में से 4 गया 16, माइनस 16, ये माइनस से ये माइनस उड़वा दो, ठीक है, तो आपको हाइट मिल गई कितनी 16, इसका मतलब ये कितनी आ गई 16 मीटर, अब ये 16 और ये 4, तो टोटल हाइट कितनी हो गई, टोटल हाइट कितनी हो गई यहां से यहां तक, नहीं ए यहां से यहां तक कितनी हो गई भाई 16 और 4 20 मीटर, 20 मीटर जो है इसकी हाइट हो गई, इसका आंसर 20 मीटर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको समझना था, यहां पर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दिमाग ये लगाना है, तो ये प्लस माइनस कब लेते हैं, क्योंकि बुक के अंदर जो है आपको हवा भी नहीं लगेगी कब वो प्लस ले लेता है और कब माइनस, तो ध्यान से समझना वीडियो को लेक्चर को। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 को भी ध्यान से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए बैलून, एक बैलून से स्टोन को फॉल किया जाता है, दैट इज डिसेंडिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये बैलून है, इस बैलून में जो है चुन्नू बैठा है, कौन बैठा है चुन्नू, ये चुन्नू बैठा है, चुन्नू है, ये ध्यान रखना, चुन्नू नाम है भैया,
चलो तो चुन्नू जो है इसमें बैठा और इसके पास एक बॉल है, ठीक है। ये बॉल, ये जो चुन्नू है ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि बैलून नीचे की तरफ आ रहा है। किस वेलोसिटी से? 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। जब ये 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नीचे आएगा तो चुन्नू की बॉल किस वेलोसिटी से आएगी? फटाफट बताओ। ये भी 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आएगी। क्या ये बात क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। अब ये बॉल जैसे मान लो यहां पर आती है, यहां यहां पर जैसे ही चुन्नू पहुंचा, यहां से इसने बॉल को ड्रॉप कर दिया। जैसे ही चुन्नू ने यहां पर बॉल को ड्रॉप किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? -12 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों लिया है? क्योंकि हम इसको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, ये हमारा आरपी सिंह बनेगा। रेफरेंस पॉइंट से नीचे की तरफ जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है उनको क्या लेना है? नेगेटिव, ठीक है। तो ये -12 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब ये जो पत्थर है ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? यहां से यहां तक कितने टाइम में? 10 सेकंड में। चलो भाई, तो अब हम यहां पर हाइट निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल। हम जो है सेकंड कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? सेकंड इक्वेशन। तो देखो यहां पर आपको ये समझना है, यहां पर इस पत्थर को ड्रॉप नहीं किया। देखो क्या कह रहा है, स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए बैलून दैट इज डिसेंडिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द पॉइंट रिलीज। इस पत्थर को रिलीज किया है, चूंकि ये बैलून नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब इस पत्थर की भी वेलोसिटी यही होने वाली है। इनिशियल वेलोसिटी -12 मीटर पर सेकेंड, माइनस इसीलिए है क्योंकि डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से एस की जगह आ जाएगा -h। इनिशियल वेलोसिटी आपकी है -12, टाइम आपको दिया है कितना? 10, प्लस a की जगह -10 ले लो, t की जगह 10 लोगे तो 100 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है सर हमें। h इज इक्वल टू ये कितना हो गया? -120। कितना हो गया ये? -120। ये 2 से 10 गया 5, तो इसका मतलब -500। तो ये आ गया -500। -500 आ गया क्या? 10 सेकेंड 12, और ये आ गया डिस्टेंस, ये आ गया। अच्छा, तो यहां से -h इज इक्वल टू कितना आ गया? -620। माइनस से माइनस उड़ा दो तो h कितना आ गया? -620। 620। अब 620 तो आपके इसमें क्वेश्चन में तो है नहीं, तो कैसे करेंगे भैया? कहां पर गया है ये? कहां गड़बड़ हुई है? देखें, चलो इसको भी पहचान लेते हैं, गड़बड़ कहां हुई है इसको देख लेते हैं। ए की जगह जी लेकर के देखो, ए की जगह जी लेकर के देखो क्या आंसर आता है। एच इज इक्वल टू यहां पर डायरेक्ट लेंगे, ये आएगा आपका, ये माइनस है और ये तो आ गया -120, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जी लोगे, ए की जगह जी यानी कि 9.8 लेकर के देखोगे तो हाफ इंटू 9.8 इंटू 100 इंटू 100 है ना। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो 4.9 आएगा। अब 4.9 इंटू 100 तो कितना आ गया? -120 -490। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0, 9 और 2 11 का 1, हाँसी लगा 1, 6, 610। बहुत बढ़िया, तो हमें क्या मिला? 610 हमें मिल गया। क्लियर है? तो यहां पर जो है जी की वैल्यू क्या ली गई है? 9.8। मैंने जो है इसको 10 ले लिया था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। देखो यहां माइनस है, ये माइनस से माइनस उड़ाएगा, वही वाली बात है, यहां जो माइनस था इस माइनस से उड़ाएगा तो एच इज इक्वल टू 620। तो ये आपको सारी चीजें समझनी है, कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था भैया क्वेश्चन नंबर 4। तो ये लाइट ठोक दो अगर समझ में आ गया, मन में नहीं रहेगा चोर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ध्यान से समझना है। बोल रहा है ए रॉकेट इज फायर्ड अपवर्ड। भाई रॉकेट तो अपवर्ड ही फायर होगा या हॉरिजॉन्टल फायर होगा, नीचे फायर कर दे तो जमीन में लग जाएगा, मर जाएंगे नहीं तो। ए रॉकेट इज फायर्ड अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस सच दैट इट क्रिएट्स एन एक्सीलरेशन ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक रॉकेट को फायर किया
और ये फायर हो गया ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, इट क्रिएट्स एन एक्सीलरेशन ऑफ दिस। इसके अंदर जो एक्सीलरेशन आता है वो कितना आता है, 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आता है। इफ आफ्टर 5 सेकंड इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ, 5 सेकंड के बाद इसका इंजन क्या कर दिया जाता है, स्विच ऑफ कर दिया जाता है। द मैक्सिमम हाइट ऑफ द रॉकेट फ्रॉम द अर्थ सरफेस वुड बी, अर्थ के सरफेस से इस रॉकेट की मैक्सिमम हाइट क्या होगी ये आपको समझना है। तो कैसे करने वाले हैं हम इसको, ऐसे करने वाले हैं, ये हमारा मान लो ग्राउंड है जहां से रॉकेट को फायर किया जाएगा, हम रॉकेट भी बना देते हैं। देखो मेरी ड्राइंग वैसे तो बहुत अच्छी नहीं है बट हम फिर भी रॉकेट बना देते हैं। ये रॉकेट है भाई, ये रॉकेट है, यहां से इस ग्राउंड से इसको जो है फायर किया गया है। ये रेफरेंस बनाएंगे तो ये बन गया हमारा रॉकेट, ठीक है भाई, ये रॉकेट है, इसको जो हम फायर करेंगे। अब जैसे ही ये रॉकेट फायर होगा इसके अंदर कितना एक्सीलरेशन आता है, 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ये उड़ता है, मतलब उड़ता ही है, चलता है ना। मान लो अब ये रॉकेट यहां आ गया, बेसिकली अब मैं ये वाला पॉइंट दिखाऊंगा यहां पर, अब यहां पर ये रॉकेट यहां आ जाता है, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इसके अंदर कितना एक्सीलरेशन आया, 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आ गया। अब ये बोल रहा है इफ आफ्टर 5 सेकंड, दैट मींस मान लो ये रॉकेट यहां से यहां तक कितने सेकंड में आया, 5 सेकंड में, इसके अंदर जो एक्सीलरेशन है कितना आया 19.6 का, यहां पर इसका इस पॉइंट पर इसका इंजन क्या हो जाता है, स्विच ऑफ कर दिया, इसका इंजन क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया, इसका इंजन क्या कर दिया भाई, स्विच ऑफ हो गया। मेरी बेटी जो है बाहर से आवाज लगा रही है डैडी डैडी, चलो तो स्विच ऑफ हुआ इंजन। अब यहां पर जब इंजन स्विच ऑफ हुआ तो अब यहां इस कंडीशन को समझना है, जैसे ही इस रॉकेट का इंजन स्विच ऑफ होता है, क्योंकि ये रॉकेट जो है पहले से ही इसके अंदर एक्सीलरेशन था 19.6 का, तो देखो यहां मान लो इसकी वेलोसिटी 0 है इनिशियल, अब ऐसे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, तो इस पॉइंट पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मान लो फाइनल वेलोसिटी भी। अब जैसे इंजन स्विच ऑफ होता है ये रॉकेट ऊपर जाएगा, क्यों जा रहा है ऊपर की तरफ, वो इस वाली वेलोसिटी की वजह से। जब इंजन जब ये रॉकेट यहां जाएगा इस पॉइंट पर, तो अब इसकी वेलोसिटी यहां क्या हो जाएगी, 0, यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, समझ गए। अब जब ये 0 हो जाएगी तो रॉकेट तो भैया नीचे आना है ना, वो तो हमें नहीं दिया, रॉकेट जो है जमीन पर कितने दिन बाद गिरेगा या कितने समय बाद गिरेगा ये नहीं दिया, ये नहीं पूछा है हमें, ऐसा पूछ करना भी नहीं था हमें, तो बस ये बताना है कि ये जो रॉकेट है अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर पहुंच गया। तो भैया आप जो है पहले तो ये हाइट निकाल लो, फिर ये हाइट निकाल लो, और आपका काम जो है हो गया खत्म, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं, मान लो ये H1 है और ये हमारा H2 है, तो H1 की बात करें तो S = UT + ½ a t² को लगाएंगे, टाइम हमारे पास 5 सेकंड का है, 5 सेकंड में रॉकेट यहां से यहां तक पहुंच गया, मान लो इनिशियल से इस पोजीशन तक, मान लो ये A लिख लो, चलो A बी सी, तो A से B तक कितने टाइम में पहुंचा, 5 सेकंड में, कितनी हाइट है H1, ये H1 हमें निकालनी है। मान लो अब ये हमारा जो है रेफरेंस पॉइंट बनेगा, तो जब ये रेफरेंस पॉइंट बनेगा ऊपर की तरफ जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है पॉजिटिव लेनी है, तो H1 प्लस ले लेना है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है 0, तो ये उड़ा दो, हाफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा आपका, क्या होगा भाई, एक्सीलरेशन इस केस में नेगेटिव नहीं है, इस केस में 19.6 है, गलती से भी 9.8 मत ले लेना, क्योंकि रॉकेट ए से बी तक किस वेलोसिटी से जा, किस एक्सीलरेशन से जा रहा है, 19.6 प्लस में, तो यहां पर 19.6 इंटू टाइम कितना है, टाइम है 5, तो 5×5=25, इस 2 से इसको उड़ाएंगे तो तुम्हें मिलेगा 9.8, तो आपके पास H1 आ गया 9.8×25, अभी सॉल्व नहीं करते आगे करेंगे, ठीक है, आपको मिल गया H1, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, हमें H2 भी निकालना है। अब H2 निकालने के लिए क्या होना चाहिए, H2 निकालने के लिए आपके पास अगर ये वेलोसिटी है, ये तो 0 है, ये तो पता ही है, आप किसी तरह से इस वेलोसिटी को निकाल लो, तो v² - u² = 2as वाला इक्वेशन लगाएंगे, तो हम यहां से इस वेलोसिटी को भी निकालते हैं, चलो
v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो v की वैल्यू हमें निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी u जो है कितना है 0, प्लस a की वैल्यू है 19.6, t की वैल्यू है 5। भैया ये आ गई फाइनल वेलोसिटी। अब हमें क्या करना है मेरे भाई, अब हमें h2 निकालना है, तो h2 निकालेंगे तो अब तीसरी इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो देखो कैसे लगाएंगे, अब की बार मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मान लूंगा और यहां से ऊपर जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होंगी उनको पॉजिटिव ले लूंगा, नीचे होंगी तो नेगेटिव लूंगा, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो रही है, ये वाली v जो है, ये v स्टार डाल लो ऐसे, ये वो वाली स्टार है ना, ये स्टार है v स्टार, माइनस ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है, अब की बार ये वेलोसिटी होगी जो हमने ऊपर निकाली है, तो 19.6 इंटू 5 इंटू 19.6 इंटू 5 दो बार लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 2। वाह वाह, अब a की बात बताओ, a कितना लेना है, अब ध्यान से समझना है, अगर आपने बता दिया कमेंट करके जरूर बताना a हमें कितना लेना है। अब देखो कैसे करना है, a की वैल्यू जो है हमारी क्या है, a जो है इस केस में तो 19.6 था, जब इंजन बंद हो जाएगा, अब ये किसके इफेक्ट में आ गया, रॉकेट ग्रेविटी के इफेक्ट में, जब ये ग्रेविटी के इफेक्ट में आएगा तो जब ये रॉकेट ऊपर जाएगा इसके ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी के इक्वल होगा, जो कि माइनस ले लेना है, आपको पता है ये सब। तो अब ये फ्री फॉल वाली कंडीशन में आ चुका है, ए से बी तक जो है इसका एक्सीलरेशन 19.6 था, ये फ्री फॉल की कंडीशन में नहीं था, क्लियर है। बी से सी की कंडीशन में, ये फ्री फॉल की कंडीशन में, इसीलिए इसके अंदर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है 9.8। तो भैया 9.8 की वैल्यू रखो माइनस में 9.8। एस हाइट कितनी है, h2 आपको लिखनी है, ये निकालना है भाई, तो यहां से कितना आ गया, कितना आ गया, ये आ गया आपका, अब यहां से उड़ा दो ना 2 और 9.8 है ना, तो ये 19.6 बनेगा, ये पूरा उड़ गया भाई, माइनस भी उड़ा दो, तो अब आपके पास h2 कितना आ गया, h2 आ गया 19.6 इंटू 25, यही तो हो गया 19.6 इंटू 25। तो h1 भी मिल गया, h2 भी मिल गया, हमें टोटल हाइट निकालनी है 9.8 प्लस इंटू 25 प्लस 19.6 इंटू 25, तो 25 दुनी 50, और इन दोनों को बाहर लेकर के आ जाओ, 8 और 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 9 18 और 1 19 का 9 हासिल लगा 1, 29.4 इंटू, मतलब मैंने क्या किया, मतलब इन दोनों को ऐड किया और 25 को बाहर लेकर के आया, कॉमन लेकर के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 25 बाहर लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, 8 और 14 का 4 हासिल लगा 1, 9 18 और 1 19 का 9 हासिल लगा 1, तो आ गया 29.4 इंटू 25, ठीक है। और सॉल्व कर सकते हैं इसको, यहां से उड़ाओ 5 दुनी 10, 5 पंजे 25, एक बार इसको भी उड़ा दो 2 से, तो कितना आ गया 2 1 जा 1, 2 4 जा 8, 1 आ गया 2 7 जा, ठीक है, 2 1 2 2 4 8, 1 11 2 7 14, अब 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 7 35 का 5 हासिल लगे 3, 5 4 20 और 3 23 का 3 हासिल लगे 2, 5 1 5 और 2 7, 735 मीटर, 735 मीटर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्लियर है। तो आपको इसमें यह समझना था, जब रॉकेट जमीन से उठ रहा है उस दौरान इसका एक्सीलरेशन 19.6 दिया है, लेकिन जब यहां पहुंचा, जब उसका इंजन स्विच ऑफ किया, तब ये फ्री फॉल की कंडीशन में आता है, और जैसे ही ये फ्री फॉल की कंडीशन में आएगा तो इसका जो एक्सीलरेशन है वो कितना लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है अच्छे से क्लियर हुआ, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर ये कहां पहुंच गए हम,
क्वेश्चन नंबर टू तो हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर फाइव। तो हाँ, तो यहां तक जो है आपका हमने जो है कंप्लीट किया, वो क्वेश्चन नंबर टू तो रिपीट हो गया, दूसरी स्लाइड शुरू हो गई, तो हमने यहां पर इसको कंप्लीट कर लिया है। मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन हमने अच्छे से किए, इसके कॉन्सेप्ट को समझा। अगर इसके अलावा आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के किसी भी कॉन्सेप्ट में या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने यहां दिया हुआ है। टेलीग्राम पर आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मोशन अंडर ग्रेविटी का जो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से धुआंधार तरीके से क्लियर हुआ है। तो अपनी उंगलियों को थोड़ा कष्ट दे दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन न्यूज की तरह मिलता रहे। चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें पढ़ेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है nth सेकेंड में।